तब तक ले ओ कह भाती। भरत मात पई गई बिलखानी का अन मन हस कह हस रानी। रानी जी को दासी का प्रणाम स्वीकारो। खुश रहो दासी मंत्रा। हे दासी, तू इतनी बिलखती हुई क्यों नजर आ रही है? और तू तो बहुत ही विकल हो रही है। उतरोते न ले ओ सासू, नार चरित कर ढारे आंसू। और इतनी उदास क्यों हो रही है? सुन कहिए रानी जी। ओ दासी बतला जरा, और दिल अपने का मन मलिन क्यों हो रहा, क्यों बिखरे सर के बाल। और बिखरे सर के बाल, उदासी कैसी है तेरे पर। और उदासी कैसी है तेरे पर, और बोल बता दासी जरा, क्या सदमा है तेरे। अरे तेरे काहे बदन कुमे लायो, हैरी बतलाए दे दासी मोए। अरी बत लाए दे दासी मोए। या काऊ ने डांट लगाई थी, काऊ ने गाली, तू नहीं जानती क्या रानी जी कि ये आज का दिन हमें बहुत मुश्किल से मिला है। सुन और जागे भागे हमारे दासी, घर घर खुशियां छाई। जागे भागे हमारे दासी, घर घर खुशियां छाई। लगे ढंग बेढंगरी दासी, तोय उदासी आई क्यों। हसीना आबे तोय, अरी क्यों हसीना आबे तो। और दासी तेरी ये दशा देखकर मेरा तो मन बहुत विचलित हो रहा है। और दशा देख कर तेरी दासी, धीर बंधे ना मेरी। दशा देख कर तेरी दासी, धीर बंधे ना मेरी। सही बता दे प्यारी दासी, क्यों है दुर्गत तेरी क्यों। रही खुशी मेरो, रही क्यों रही खुशी मेरो। दासी कहिए। और हम सब ने शीश गुहाए हैं, तूने क्यों बाल बखेरे हैं। तूने क्यों बाल बखेरे हैं, तू जो रो रही सतुन सायत है। कैसे लक्षण तेरे हैं। या
क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी ना, क्यों तुझे उदासी है। ठीक रानी जी, कहो रानी जी, कहो तुम्हें नहीं पता नहीं कि अयोध्या नगरी में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है? सुनो, कहो। हर जिसका कल होगा राज तिलक, हर मर्तबा ब्रांड उसी का है, मर्तबा बुलंद उसी का है, हर कुछ तुम्हें दिखाई देता है, और ये खुशी नहीं है मातम है, ये खुशी नहीं है मातम है, बैठे ये नकारे या बाबों में इनकी दम है, रानी जी। और खुल गए बाग कौशल्या के, और है दया उसी पर वेदना की, दया उसी पर रानी, किस गोर नींद में हो अब लोग चाल निज राजा, और तुम सदा जीतती थी चौसर, पर अब तो हार खा रही हो, और बेरंग में है बदरंग है तू, क्या पांसे नप के प्यारे हैं, है क्या पांसे नप के प्यारे हैं, तेरे चक्के छुट जाएंगे अब तो उनके सवारे, और बेबार आने छुपा तार कस में है, जो तीर छुपा तार कस में है, तू समझ रही आजा दशरथ मेरा है मेरे बस में, और बे ही राजा बे ही दशरथ, और जड़ तेरी काटे जाते हैं, कहिए रानी जी। और चल निकल यहाँ से चांडालिन, किसने तेरी मत मारी है, चुबा लूंगी, और हे दासी तू तो मेरी सभी दासियों में प्रिय है।
रानी जी ठीक सुन, जिस दिन मेरा प्यारा राम राजा होगा उस दिन तुझे हार दूंगी और ले मेरी तरफ से हार भेंट कर। ठीक रानी जी, इस हार को आप ही संभाल के रखो। सुनो, और यह हार तुम्ही को शोभा दे और दासी ना लाल चिन्ह माल याद तुम्हें आता रानी जब विवाह किया था राजा ने जब विवाह किया था राजा ने तेरा ही को तुम पत्यो गाया वचन दिया था राजा ने। और अब चालाकी को देखो और किस ढंग से पलटा लेते हैं किस ढंग से पलटा लेते हैं परदेश भरत को भेज दिया अधिकार राम को और बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश में नौते कहिए रानी। मुझको समान है राम भरत एक ही पेड़ दो साखे हैं से प्यारा है हाँ तो राम भरत से प्यारा है गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का ठीक रानी जी कहो। अरे नहीं तुम समझी मेरी पीर नेकी करते हैं यदि तो फूट गई तकदीर। रानी जी ओ, अरे क्या गर्ज पड़ी ऐसी मेरी जो मुंह अपना नुचवाऊंगी दोनों में कोई राजा हो मैं तो आखिर दासी कहलाऊंगी। अरे मैंने तो शर्त अदा कर दी अब तलक नमक जो खाया है इसलिए भरत का है ख्याल बरसों तक गोद खिलाया है। हे दासी तू कहती तो ठीक है। रानी जी सुनो रानी शतरंज बिची है वह जिसमें की मात तुम खाओगी नक्शा ऐसा बनता जाता घर ही में जिच हो जाओगी। तुम घोड़े की चालों पर हो प्यादा से उधर दे रहा है रस्ते बजीर ने रोके हैं रुक बाद साहे का फेरा है। तुम उत्सव जिसे समझती हो वह कुश्ती लड़ने का दंगल है इस ओर अकेली एक तुम्ही उस ओर प्रजा तक्का बल है। देखें अब कौन विजय पाए लक्ष्मी किस पर बलहारी है सच तो यह है कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यह तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रणवासों में। अरे देखे ऐसे परवश जीवन पर क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। हे दासी कहिए रानी तू ठीक ही कहती है
कुछ मेरी समझ में आता है, अपना अपना ही होता है पर गैर गैर ही होता है। और तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। कहिए रानी जी, तू बुद्धमती है बूढ़ी है और तू ही बह मार्ग दिखा मुझको। हाँ तू ही बह मार्ग दिखा मुझको और हो भरत लाल को राज तिलक बह सरल उपाय बता। कहिए रानी जी, तू ही अपनी मति से कुछ मुझे बता। ठीक रानी जी, अब आया है तुम्हारे दिमाग में, मैं कब से तुम्हें पढ़ा रही हूँ तुम समझ नहीं पा रही तब से। ठीक कहती है रानी जी, अरे होगा ये याद तुम्हें रानी, अरे दो बार राजा पर थाती हैं, यह घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर दो काफी हैं। यह घर का युद्ध आज ही खेलना है शिकार, रखो विस्वाण बुझा कर तुम, मौके पर उन्हें चला देना मृग की चौकड़ी बुला कर तुम। निरपु जब अंतापुर में आए तिरछी कर भौहें कमानों को, पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र फिर मांगो उन वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगत ग्राम की खा जाए। कहना कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हूँ, 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर वनवासी। दासी कहिए रानी जी, दासी तेरी मत की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी मेहतारी है। जय हो रानी जी। और मुझ सीधी ने ये समझा था, और क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पे बारी जाऊंगी, बार कपट की सुन कदाप नहीं होगी, अब कौशल्या की मनमानी अब, और युवराज बनेगा मेरा भरत लाल हट मैंने भी बहना। और क्या मजाल है राजा की जो अधिकार भरत का चूर करे, पर एक बात मैं कहती हूँ दासी गर तू मन। ए दासी कहिए रानी जी, मेरा राम बहुत भोला है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, सुनो। और रानी जी, हे रामचंद्र भी राजकुमार को मल है निज अपराधी है, बन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। ए दासी कहिए रानी जी, तू मेरे राम को 2-4 वर्ष का ही वनवास दे दे। रानी जी कहो, अरे आई जब नाव किनारे पर तो जल्दी फिर तूफानों में, अपने हाथों मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में। रानी जी, अरे मैं समझा समझा कर हारी,
तुम फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ तुम उस कौशल्या सौतन से। वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आहे भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। अरे फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे, यदि राम हटाना भी चाहें तो हटाना उनको पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर यह राज राम ही पाएंगे, यदि 12 साल रहे वन में हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 बाज में है, कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है। सब समझ गई सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम, बस देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में तुम। दासी कहिए रानी जी, ये कोप भवन क्या होता है? तुम नहीं जानती? नहीं मैं कुछ नहीं जानती। कोप भवन रानी जी वह होता है कि अपने बालों को खोल करके और अपना श्रृंगार बिगाड़ करके और खाली खाली सेज पर जा करके सो जाना उल्टा मुक्कर करके। ठीक है, तू तो महलों को जा और मैं कोप भवन को जाती हूँ। जैसी आज्ञा रानी जी। ठीक है।